हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती सभी फ्रेंड्स सारा बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, सभी बड़ों को प्रणाम देती हूँ, छोटे बाटे सारा प्यार। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके साथ कोई ब्लॉग नहीं, आज मेरा होगा हर रोज तो स्किन केयर होता है, तो आज होगा हेयर का। आज एक बालों के लिए मैं एक पैक बनाने जा रही हूँ, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इसमें डाल दिया है मेहंदी, और मेहंदी आपको जो अच्छा लगता है वो ही ले सकते हो। मैंने लिया ये वाला मेहंदी, तो इसका पैकेट ले लिया मैंने दो, ये रखा हुआ है दो पैकेट मेहंदी ले लिया। अब इसमें लूँगी आधा नींबू का रस पूरा, और प्याज एक, और ये एलोवेरा, और थोड़ा सा मेथी। ये सब मेरा घर का ही है, तो मैं इसमें डाल दूँगी, और इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा कॉफ़ी। ये कॉफ़ी ऐड करूँगी और इसको एक साथ मिक्सी में पीस लूँगी। तो देखो डाल दिया है मैंने सब काट के, और एलोवेरा में बहुत सारी एलोवेरा है, बहुत मोटे मोटे हैं, एकदम दिखाई दे रहा है। तो मेरा अच्छा सा हो जाएगा एक पैक, तो पहले इसको मिक्सी में पीस लेती हूँ। देखो इसमें खूब अच्छा नींबू का खुशबू आ रहा है, और इसमें डाल दूँगी मैं एकदम। और इसको डाल के देखो इसमें झाग भी आ रहा है खूब अच्छा सा, और इसमें पानी नहीं डालूंगी मैं, और इसी से ही इसको मिला के रख दूंगी। थोड़ा सा इसमें पानी चाहिए, बहुत हल्का सा पानी चाहिए इसमें। तो मैंने मिक्सी को धो के इसी में डाल दिया है पानी, तो इसको अच्छी तरह मिला लेती हूँ। तो ये रख दिया है मैंने भिगा के, तो इसको थोड़ी देर, कम से कम आधा घंटा एक घंटा रख दूँगी, उसके बाद ही मैं इसको लगाऊँगी। तो चलो आधा घंटा जब लगाऊँगी तब मिलती हूँ। तो इसको देखो कलर एकदम ब्लैक होने लग गए, और इसमें मैंने आधा केला डाल दिया है, और केला डाल के ना मैंने दिखाने तो भूल गई, देखो अभी भी पीस पीस है। इसको थोड़ा सा इस तरह से देखो तो ये है केला का, देखो टुकड़ा टुकड़ा थोड़ा थोड़ा ये। तो सारा तो मैंने इसमें मिला दिया, और बहुत अच्छा एक पैक बन गया एकदम। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से अगर आप लोग भी लोहे की कढ़ाई में रख के अगर इस तरह से बना के लगाते हो, बाल के लिए बहुत अच्छा हुआ। केला अच्छा एक चीज़ है, नींबू, मतलब जिसमें जो जो मैंने सामान डाला उसमें सारे अलग अलग फ़ायदेमंद चीज़ है। जैसे बाल सिल्की करने के लिए या अच्छा करने के लिए, मुलायम सॉफ्ट करने के लिए एलोवेरा है। उसके बाद डाला है मैंने जैसे नींबू को डाला कि जैसे ना हमारे रूसी हो जाता है उसके लिए। और फिर मैंने डाला उसमें कॉफ़ी थोड़ा सा कलर के लिए, जैसे हमारे बाल को थोड़ा सा अलग कलर आ जाए, उसी में मिल जाएगा थोड़ा सा अलग शाइनिंग आ जाए। और उसके बाद मैंने केला डाला, केला डालने से हमारी बाल एकदम मुलायम हो जाएगा, तो इसके लिए। तो ये सब एक साथ मिक्स करके अगर डाला जाए तो एक एक चीज़ में हो जाता है, तो आपको रोज़ रोज़ अलग अलग लगाना नहीं पड़ेगा। मैंने ऐसे ही करके एक एक चीज़ मिला के फिर बनाती हूँ, पर मैं ऐसे दो तीन महीने में एक बार लगाती हूँ, ऐसे हर महीना नहीं, तीन चार महीने में एक बार लगा देती हूँ। तो ये लगा रही हूँ, देखो एकदम ब्लैक हो गया है। तो आप लोग भी प्लीज़ इसको देख के लगाना, देखना आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फल मिलेगा इसका एक। तो देखो मैंने इस तरह से लगा लिया है, और हाथ भी मेरा साथ के साथ थोड़ा बहुत तो कंघी के साथ साथ लाल हो ही जाता है, तो लाल भी हो गया हाथ, तो ये तो साफ़ हो ही जाएगी, पर इस हाथ में भी ऐसे ही तो लगा लिया है। तो अब इसको मैं रखूँगी, एक दो घंटा रखने के बाद इसको क्लीन कर लूँगी। तो चलो जब तक ये सूखते रहे, उसके बाद बाल सूखने के बाद धो के सुखा के उसके बाद आपसे मिलूँगी। तो देखो मैंने बाल को अच्छी तरह धो के और सुखा लिया है, कंघी भी कर लिया, देखो इस तरह से इसका ग्लेस तो आ ही रहा होगा, और अभी जब थोड़ा सा और सूख जाएंगे तो अच्छा से ग्लेज आएगा। तो देखो इसकी ग्लेज तो आएगा, अभी गीला है ये, जब सूख जाएंगे ना तब तो आएगा इसका ग्लेज, और इसका शाइनिंग और सॉफ्टी। तो बाल मेरा आज हो ही गया है, बहुत सॉफ्टी हो गया है मेरा बाल पहले से। और ये मैं दो तीन महीने में करती हूँ, रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ, या 15 दिन में नहीं कर पाती हूँ, दो तीन महीने मेरा काम हो जाएगा। तो अभी फिर फरवरी मार्च में एक बार करूँगी, और
ये मेरा सॉफ्टी सॉफ्टी बाल हो गया है तैयार। तो कैसे लग रहे जरूर बताना। और पूरा मैंने अपने लगा के इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 2 घंटे बाद मेरा इस तरह से हो रखा है। और ये अभी और होगा सूखने के बाद। तो चलो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। फिर मिलूंगी नया ब्लॉग के साथ। आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, हंसते रहना, स्माइल ऑल टाइम करते रहना। टाटा बाय बाय।